सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। अब बच्चों की किसी भी बीमारी के लिए शहर से बाहर जाने की जरूरत जिले वासियों को नहीं पड़ेगी। जेलहाता चौक के नजदीक दिन शुक्रवार यानी कल विनायक चाइल्ड हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा है। प्रेस वार्ता कर विनायक चाइल्ड हॉस्पिटल के कर्ताधर्ता इंजीनियर भोला पांडे ने कहा कि एक वक्त में उन्होंने अपनी नजरों से जिले वासियों को स्वास्थ्य के लिए इधर उधर भटकते देखा था। तब से उनके मन में डाल्टनगंज में एक बेहतर हॉस्पिटल देने का सपना सजा रखा था। भगवान ने उनकी सुन भी ली व उनके घर में दो बेटे एक बेटी व एक बहू चिकित्सा के क्षेत्र में आ भी गए। तब से मैं अपने सपनों को सजाने में लगा हूं, जिसका शुभारंभ 11 फरवरी से विनायक चाइल्ड अस्पताल के रूप में कर रहा हूं। जिलेवासियों को कम खर्च में बेहतर सेवा देने के प्रति मैं कटिबद्ध हूँ। लक्ष्य सभी तरह के बच्चों का ट्रीटमेंट इस छत के नीचे हो, कम खर्च अधिक सुविधा, यही लक्ष्य। इंजीनियर स्वास्थ्य की तरफ इसलिए लौटा कि इंजीनियर इस शहर का है और बहुत सारी स्वास्थ्य सेवा में यहाँ कमी देखी गई है और यही कारण है कि स्वास्थ्य सेवा के बारे में सोचा। ईश्वर की कृपा रही कि उस डायरेक्शन के बच्चों उन्होंने मुझे दिया, जो बच्चों यहाँ रहने के लिए तैयार हुए। चूँकि बच्चों का ही टीम हमारे पास है, सर्जरी से लेकर के और सभी तरह की जांच करने की, जिसमें तीन स्तंभ मेरे पास हैं, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर अभिषेक रंजन जो सर्जन है MCH, डॉक्टर श्वेता शेखर जो किसी तरह के डायग्नोसिस करके ये बता सकते हैं कि एक्चुअल बीमारी क्या है। तो जब ये तीन कोऑर्डिनेट मेरे पास हो गए तो मुझे लगा कि सबसे बेस्ट बच्चा का अस्पताल खोल के मैं सेवा करूं। अब भैया बताइए कि यह अस्पताल को है अस्पताल आपने दिया, इस अस्पताल का अपना मतलब जैसे आपने कहा कि कम खर्च में करने के लिए, आपको लगता है कि मतलब यहाँ पर जो शहर में इस तरह की कमी थी महसूस की है? कमी थी, बहुत तरह की कमी थी और मैं अनुभव ही नहीं किया हूँ, देखा भी हूँ। हम में थोड़ी नैतिकता की भी अभाव है जो हम सभी को ऊपर करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़, इसी सब को देखते हुए हमने यहाँ पर जो लो कॉस्ट के लोग होंगे उनके भी रहने का व्यवस्था किया। CSD कैंटीन की व्यवस्था कर रहा हूँ कि उनको कम खर्च में जो है खाना भी मिल सके। तीसरी चीज़, आयुष्मान भारत के भी अंदर ट्रीटमेंट जल्द शुरू करने का प्रयास कर रहा हूं कि लोगों में निःशुल्क। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव विशाल ने कहा कि क्रिटिकल से क्रिटिकल बच्चों का यहां वो इलाज करने का प्रयास करेंगे। यह पूर्ण रूप से बच्चों का अस्पताल है जहां 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, NICU, वेंटिलेटर, CPAP, हाई फ्लो, PICU, 24 घंटे ऑक्सीजन युक्त, वेंटिलेटर युक्त, कंगारू मदर केयर, OPD, एक्सरे, फार्मेसी और पैथोलॉजी के अलावे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, सभी प्रकार के सर्जरी की सुविधा यहाँ उपलब्ध रहेगा। जरूरत पड़े तो रांची बालपन अस्पताल से भी मदद लेने का प्रयास किया जाएगा। बच्चों के लिए NICU की फैसिलिटी, पीडियाट्रिक ICU फैसिलिटी, वेंटिलेटर, CPAP और हाई फ्लो की फैसिलिटी,
बच्चों की माताओं के रहने की व्यवस्था, ठीक है, बच्चों के लिए 24 घंटे डॉक्टर की फैसिलिटी रहेगी, किसी तरह की भी इमरजेंसी हैंडल करने की सुविधा रहेगी। लेटर ऑन कुछ दिनों बाद पेडियाट्रिक सर्जरी की फैसिलिटी और कार्डियक ओपीडीज, पेडियाट्रिक कार्डियक ओपीडीज, पेडियाट्रिक न्यूरो ओपीडीज, बच्चों के लिए चमकी वालों के लोगों के लिए न्यूरो ओपीडीज, इनकी सुविधा भी कुछ दिनों में अवेलेबल यहाँ पर। हर जितने भी सिख बच्चे हैं लेवल 3 NICU केयर हम इस जगह को देने की कोशिश कर रहे हैं, विल बी गिविंग। तो कोई भी बच्चा सिख से ऐसे कितना भी सिख हो, हम उसे सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। कितने भी कम वजन का बच्चा हो, 1 किलो 1.25 किलो, जिन 28 हफ्तों तक को बच्चों को जो 27वें महीने में जन्म लिए हैं उनको बचाने की सुविधा इन मशीनों के द्वारा हम कोशिश करेंगे एज अ टीम। हाँ, हमारा जो टाई अप रहेगा हमारा बालपन चिल्ड्रन हॉस्पिटल रांची से टाई अप। उम्मीद करें कि यहाँ पर वो सारी सुविधा मिलेगी बच्चों को जो हमारी कोशिश यही है कि हम वो सारी सुविधा पलामू के जनता वासियों को, पलामू के लोगों के लिए और आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट उनके लोगों के लिए सुविधा 24 घंटे अवेलेबल कराएं, एक क्वालिटी ट्रीटमेंट दें, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल हो, मेडिकली अप्रूव्ड हो और सब साफ सुविधा से अप्रूव्ड हो, जो एक्सपेरिमेंटल हो, जो चलती हो, हम ये ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं।